डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंडित दीक्षित। मैं आपको वोकैब के नोट्स बनवाऊंगा। ये जो वोकैब है वो आपके डेली सेंटेंस यूजेस में भी यूज़ हो सकती है। साथ ही ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा और इस तरीके से आपको रेगुलर याद भी करना है। तो करीब हम 2000 वर्ड्स को तैयार करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्निकेट। अब देखिएगा, ए बी एन ई जी ए टी ई, ये वर्ड है एब्निगेट। ये एब्निगेट एक वर्ब है और अगर हम इसका नाउन रखते हैं तो नाउन बनेगा इसका एब्निगेशन, ए बी एन ई जी ए टी आई ओ एन, ये हमारा नाउन हो गया। इट मीन्स अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आए तो वो नाउन है और इस तरीके से टी ई पर छोड़ जाए तो वो एक वर्ब है। तो एब्निगेशन और एब्निकेट, अब इसको याद करने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है अब, तो अब ले लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट, तो यहाँ पर गेट ले लिया। और हम इस तरीके से इसको एक तरीके से ट्रिक बना सकते हैं कि अब गेट नहीं खुलेगा, अब गेट नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर नी भी आ रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं अब नी गेट। तो अब गेट नहीं खुलेगा, तो एब्निगेट का मतलब हो जाता है मना करना, यानी कि किसी भी चीज़ को निषेध करना, किसी भी काम को निषेध करना या साफ मना करना, दिस इज़ कॉल्ड एब्निगेट। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। जैसे एब्निगेट का मतलब मना करना भी होता है, पद को त्यागना भी होता है, ठीक है, पद को त्यागना भी होता है। अब पहला वर्ड हो गया हमारा इसका एब्निगेट या एब्निगेशन, तो अब गेट नहीं खुलेगा, भैया ने मना कर दिया है, एब्निगेट, अब गेट नहीं खुलेगा। अब इसका एक सिनोनिम हम कर सकते हैं, दैट इज़ रेप्यूडिएशन, आर ई पी यू डी आई ए टी आई ओ एन, रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन या फिर ये हमारा नाउन हो गया क्योंकि इसमें आई ओ एन आ रहा है, टी आई ओ एन, और रेप्यूडिएट R E P U D I A T E, ये एक वर्ब हो गया। इसका मतलब होता है किसी भी बात का खंडन करना, ये इसका सिनोनिम है, किसी भी बात का खंडन करना या फिर उस बात से मुकर जाना कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, तो हम यूज़ कर सकते हैं रेप्यूडिएट। तो आई एब्निगेट दिस थिंग, मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ, निषेध करता हूँ। माई एब्निगेशन वॉज विद दैट, मेरा मना या निषेध उस चीज़ के साथ थी। या फिर आई रिपीडिएट यू योर थिंग योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट का आपके पॉइंट का खंडन करता हूँ। इसका जो सिनोनिम होता है वो रिपीडिएट हो गया। एंटोनिम होगा तो वो एंडोर्समेंट हो जाता है, समर्थन करना, एग्री करना। ठीक है, अब इसका एक और वर्ड हो सकता है सिनोनिम में, वो हो सकता है रिनाउंसमेंट, आर ई एन ओ यू एन सी ई एम ई एन टी, रेनाउंसमेंट या फिर रेनाउंस, आर ई एन ओ यू एन सी ई, रेनाउंस का मतलब और रेनाउंसमेंट का भी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ का परित्याग कर देना, मैं बिल्कुल त्याग करता हूँ इस चीज़ का, तो दिस इज़ कॉल्ड रेनाउंसमेंट। उसके बाद में हम एक और वर्ड ले सकते हैं रेलिंक्विश, आर ई एल आई एन क्यू यू आई एस एच, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश या फिर आर ई एल आई एन क्यू यू आई एस एच एम ई एन टी, रिलिंक्विशमेंट, इन दोनों का भी मतलब यही होता है, मना कर देना। तो ये इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए एब्निगेट के, अब गेट नहीं खुलेगा, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, एंडोर्समेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंटोनिम्स में, तो फिर एंटोनिम्स में जैसा अभी बताया था, वर्ड है एंडोर्स, ई एन डी ओ आर एस ई, ये एक वर्ब है। अगर हम ये वर्ड्स हम रेगुलर अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, बातचीत में यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको ये तरीका पसंद आएगा। आप एक इस तरीके से नोट्स बनाते चलिए कि प्रॉपर एक वर्ड को हम उठाएं और उसके जितने भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, एज़ पर द साइंस एक्सपर्ट, एज पर द एक्सपीरियंस, उस आधार पे हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये वर्ब हो गया ई एन डी ओ आर एस ई एम ई एन टी, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ये एक नाउन हो गया। इन दोनों का मतलब होता है समर्थन। अगर हम नाउन की बात करें तो समर्थन बोला जाएगा,
और अगर हम वर्ब की बात करें तो समर्थन करना, समर्थन करना, ये हमारा वर्ब हो गया। तो अनुमोदन करना भी हम इसको कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का अनुमोदन करना। फॉर एग्जांपल इन द मीटिंग व्हेन अ स्पीकर इज सेइंग समथिंग, और अगर लोग उसके बारे में अनुमोदन कर रहे हैं कि यस वी आर एग्री विद दैट, तो हम उस सेंस में एंडोर्स कर सकते हैं कि सर आई एंडोर्स यू, ठीक है, एंड माई एंडोर्समेंट इज़ विद यू। तो उस सेंस में उस साथ साथ हम एक वर्ड ले सकते हैं जो कि हम सब जानते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया स्वीकृति। ओके, उसके बाद में अडॉप्शन, ए डी ओ पी टी आई ओ एन, अडॉप्शन आप जानते हो गोद लेना, स्वीकार करना। एडॉप्शन उस केवल हम दत्तक पुत्र के लिए, गोद लेने वाले सन के लिए, डॉटर के लिए ही नहीं, हम किसी भी चीज़ को अंगीकार करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और वर्ड होता है, दैट इज एम्ब्रेसमेंट, ई एम बी आर ए सी ई एम ई एन टी, इसको हम एम्ब्रेसमेंट बोलते हैं। इसका भी मतलब एडॉप्शन ही होता है और इसका मतलब गले लगाना भी होता है। एम्ब्रेस, ई एम बी आर ए सी ई, एम्ब्रेस का मतलब हो गया ये स्वीकृति करना या गले लगाना, गले लगाना कि मैं आपकी बात को बिल्कुल गले लगाता हूँ, या अगर मैं किसी को कडल करता हूँ, देन हक करता हूँ, तो देन एम्ब्रेस। और एक और वर्ड है आपका स्पाउजल, ई, ये वर्ड बहुत अच्छा लगा है मुझे, ई एस पी ओ यू एस ए एल, स्पाउजल। स्पाउजल का मतलब होता है समर्थन करना। तो ये वर्ड्स थे आपके, जिस तरीके से हम इनको तैयार कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और वर्ड्स की अगर हम डिस्कस करें तो वो कौन से हो सकते हैं, उनको भी आप देखिएगा। देखिए, मैं अब आपको कुछ रूट वर्ड्स भी कराता हूँ। रूट वर्ड्स की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रूट वर्ड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, तो जैसे एक रूट वर्ड आता है ए सी ई आर, ठीक है, अगर आपको कहीं भी ए सी ई आर दिखाई देता है, या फिर आपको एसिड दिखाई दे, या फिर आपको ए सी आर आई दिखाई दे, ए सी आर आई अक्सर करके पूछा जाता है और दिखाई देता है, अगर आपको थ्री वर्ड्स कहीं भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बिटर, ठीक है, कड़वा हो जाता है, कसैला हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सौर हो जाता है, और आपका शार्प हो जाता है, बिल्कुल तीखी बात करना, बिल्कुल साफ बात कहना। तो अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो जैसे पहला वर्ड, रूट वर्ड हमारा क्या था, ए सी ई आर, ए सी आई डी और ए सी आर आई, तो एक वर्ड बनता है आपका एक्रिड, ए सी आर आई डी, एक्रिड का मतलब हो गया कड़वा। अब ये कड़वा खाने पीने में भी हो सकता है और किसी की बातचीत भी कड़वी लग सकती है, तो भी हम कह सकते हैं एक्रिड नेचर का व्यक्ति है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं बिटर के सेंस में, ठीक है। उसके बाद में एम्बिटर, ई एम बी आई डबल टी ई आर, ये इसके सिनोनिम है। एक बात ध्यान रखना, बिटर मीन्स कड़वा, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर हम किसी भी वर्ड से पहले ई एम लगा देते हैं तो ई एम का मतलब हो जाता है उसको हमने वर्ब बना दिया, तो इसका मतलब कड़वाहट पैदा करना, कड़वाहट पैदा करना, किसी भी चीज़ में कड़वाहट पैदा करना, बातचीत में, रिश्तों में कड़वाहट पैदा करना, तो एम्बिटर। तो वाई आर यू ट्राइंग टू एम्बिटर दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को एम्बिटर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। रैंकरस भी हम कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसलिए मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, आर ए एन सी ओ आर ओ यू एस, रैंकरस। रैंकरस का मतलब हो जाता है द्वेषी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति द्वेषी है, कोई भी किसी से द्वेष रखता है, दिस इज़ कॉल्ड रैंकरस। उसके साथ साथ हम यहाँ पर रिजेंटफुल भी ले सकते हैं, आर ई एस ई एन टी एफ यू एल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इस पर भी मैं स्टार लगा देता हूँ, इसका मतलब हो जाता है नाराज, यानी कि एंग्री तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी जगह पर हम रिजेंटफुल कह सकते हैं, माई फादर इज़ रिजेंटफुल नाउडेज, मेरे पापा इस समय जुड़े हुए हैं, नाराज हैं, ठीक है। एक और वर्ड है जो बहुत अच्छा है, उस पर भी मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, दिस इज़ मेल कंटेंट। देखो हम सब जानते हैं सी ओ एन टी ई एन टी, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि, कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्टि। और अगर हम किसी भी वर्ड से पहले रूट लगाते हैं मेल, तो मेल का मतलब हो जाता है या तो निषेध, यानी कि मना करना, या फिर बुरा। तो
यहाँ हम एक वर्ड बनाते हैं एम ए एल सी ओ एन टी ई एन टी, मेल कंटेंट। मेल कंटेंट मीन्स हो गया कंटेंट मीन्स संतुष्टि, और मेल कंटेंट मीन्स हो गया असंतुष्टि, असंतुष्टि। अगर कोई असंतुष्टि है दिस इज़ मेल कंटेंट, हम इसको बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम अक्सर करके कई बार देख चुके हैं एग्जाम्स में, कंटेम्पचुअस, सी ओ एन टी ई एम पी टी यू, पी टी यू ओ यू एस, सी ओ एन टी ई एम पी टी यू ओ यू एस, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस। ये एक एडजेक्टिव है, अगर हम इसका एडवर्ब बनाएंगे तो कंटेम्पचुअसली बोलेंगे, कंटेम्पचुअस, ही हैज़ कंटेम्पचुअस नेचर, या कंटेम्पचुअसली ही डिनाइड, तो इसका मतलब हो गया तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार कर देना किसी का, तिरस्कार पूर्वक, दिस इज़ कंटेम्पचुअसली। और फिर उसके बाद में एक वर्ड अगर हम लेना चाहें, दिस इज़ मॉर्डेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एम ओ आर डी ए एन टी, मॉर्डेंट हो गया, या मॉडर्नली, एम ओ आर डी ए एन टी एल वाई, मॉडर्नट या मॉडर्नली, इसका मतलब कड़वा या कटुतापूर्ण, कटुतापूर्ण। जैसे ही ऑलवेज टॉक मॉडर्नली, वो हमेशा कड़वी बातें करता है, हिज नेचर इज एक्यूरेट, उसका नेचर बहुत ही एक्यूरेट है। आप जो है हमारे रिलेशनशिप को एम्बिटर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ही इज़ रैंकरस, वह मेरा रैंकरस है, वो मेरा द्वेषी है, माई फादर इज़ रिजेंटफुल, मेरे पापा जो हैं वो बहुत ही नाराज हैं, मैं अब गेट नहीं खुलेगा, आई एबनिकेट दिस थिंग, समर्थन नहीं करता, इंडोर्स समर्थन करता हूँ, एक्सेप्टेंस आप जानते ही हैं, एडप्शन आप जानते ही हैं, एम्ब्रेसमेंट, रिनाउंसमेंट और रिनाउंस, ये वर्ड्स दोनों बहुत अच्छे हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा, आप प्लीज़ इसके नोट्स बनाइएगा, और आज के लिए हमारे लिए इतने वर्ड्स पर्याप्त हैं। अगर आपको वोकैब तैयार करनी है तो आप जो भी वर्ड्स रोज़ाना नोट कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे लोगों के साथ शेयर करिए, बात करिए, यानी कि सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हैं और उन वर्ड्स को आपने तैयार किया हुआ है तो आप कैसे भी करके अपनी कॉन्वर्सेशन में उस वर्ड को लेकर के आइए, और रीजेंटफुल बोलिए, एंग्री मत बोलिए, डिनाई मत बोलिए, एबनिगेट बोलिए, एग्री मत बोलिए, एंडोर्स बोलिए, और अगर हम बोलें कि बहुत ही कड़वा नेचर है तो एक्यूरेट नेचर बोलिए, तिरस्कार किया कंटेम्पचुअस बोलिए, कंटेम्पचुअसली बोलिए, मैं असंतुष्ट हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड की जगह पर मेल कॉन्टेंट बोलिए, आपको ईजिली वॉकअप तैयार होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो, और डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू, बाय।